हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग केसिसना क्लास 12 एक्सरसाइज 19.4 का क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, गिवन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर 4x बटे कोस पावर 6x dx, ये दिया हुआ है। तो चलिए इनको अब हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यानी कि हम यहाँ पर पहले पुट कर लेंगे तो सॉल्यूशन। तो देखिएगा यहाँ पर हम क्या पुट करते हैं, पुट ये टी इक्वल टू जो है वह आप टेन एक्स जो है वह पुट कर लीजिए। अब इनका डिफरेंशिएट कर दीजिए तो ये डी टी बाई डी एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से डी एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डी टी बाई सेक स्क्वायर एक्स। ये डी टी बटे सेक स्क्वायर एक्स हो गया। अब हम क्वेश्चन से चलते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उनसे अब हम चलते हैं। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पे, देखिए यहाँ पे यानी कि क्वेश्चन में दिया हुआ है नाउ, ये देखिए, ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन के पावर 4x बाय ये कोस के पावर 6x और ये डी एक्स के जगह पे जो है वह डी टी बाय ये सेक स्क्वायर एक्स हम लिख सकते हैं। तो अब देखिए, ये कोस के पावर 6 है और ये देखिए, इनको हम पहले चलिए लिख ही देते हैं, ये साइन के पावर 4x और ये बाय ये, इनको हम लिख सकते हैं कोस के पावर 4x इंटू ये कोस स्क्वायर एक्स। तो ये देखिए 4 × 6 हो गया और ये डी टी बाय ये सेक स्क्वायर एक्स। और देखिए, ये कोस स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये देखिए, साइन पावर 4x बटे कोस के पावर 4x, ये हो जाएगा टेन के पावर 4x और इसका वैल्यू 1 ही हो गया और ये डी टी बच गया है। अब देखिए, टी इक्वल टू हम क्या पुट, यानी टेन इक्वल टू हम टी पुट किया है, तो इंटीग्रेशन ऑफ टिक पावर 4 dt। अब देखिए, टिक पावर 4 का इंटीग्रेशन करेंगे तो टिक पावर 5/5 + c, ये हमारा हो जाएगा 1/5 t। टी इक्वल टू क्या है, 10x है, यानी कि 10^5x + c, ये जो है वह इसका फाइनली हमारा जो है वह आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये 20 नंबर क्वेश्चन जो है वह बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम 21 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन जो है वह दिया हुआ है, यानी कि ये जो है वह इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर कोस एक्स बटे यानी कि साइन के पावर 5x dx, ये दिया हुआ है। तो चलिए इनको जो है वह हम सॉल्व करते हैं, पहले इनको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ देखिएगा आप लोग, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर कोस एक्स और ये बटे में जो है वह, यानी कि ये रूट अंडर ये जो है वह ये साइन के पावर 4x इंटू ये साइन एक्स और ये डी एक्स। क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए साइन पावर 4 और साइन एक्स, तो ये साइन पावर 5 हो जाएगा। तो अब देखिए, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए ये रूट अंडर कोस एक्स और ये बटे में जो है वह, ये देखिए साइन के पावर 4 है, ये बाहर हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू ये जो है वह रूट अंडर जो है वह साइन एक्स और ये डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए, ये कोस बटे साइन क्या होता है, तो कोट होता है, और ये 1 बटे यानी साइन स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर हो जाता है। कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कोस बटे साइन क्या होता है, तो कोट एक्स होता है, तो ये कोट एक्स हो गया और ये डी एक्स हो गया, ये इतना हो गया। अब देखिए, अब जो है वह हम इनको पुट करते हैं। तो देखिए, रूट में जो है वह उनको हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे पुट ये जो है वह यानी कि ये कोट एक्स इक्वल टू हम टी पुट कर देते हैं, इनका डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ से डी एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे तो ये माइनस डी टी बाय ये हमारा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। अब हम क्वेश्चन चलते हैं नाउ, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो ये देखिए, ये हमारा है कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू ये कोट टी यानी कि कोस यानी कि कोट एक्स के जगह पर हम टी लिख सकते हैं, तो ये रूट टी और ये माइनस ये डी टी बाय जो है वह रूट यानी ये डी टी बटे रूट नहीं है, ये डायरेक्ट कोसेक स्क्वायर एक्स है, ये और ये भाई साहब कैंसिल हो जाएगा। और ये देखिए, ये माइनस पहले से ही है और ये रूट टी और ये डी टी, रूट टी का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, यानी कि ये टी पावर जो है वह 3/2 और ये -2/3 + c होता है, तो ये देखिए, ये -2/3 टी इक्वल टू है कोट, तो ये कोट के पावर ये 3/2 x + c, ये जो है वह इसका फाइनल हमारा
आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये 21 नंबर क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इनके 22 नंबर क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।